जो मेरे पिताजी के टीचर थे गांव में तो वो हर रोज़ मुझे आ, उनके साथ लेते थे उनके स्कूल में अब पहले से मैं इतना आ, अच्छा बच्चा नहीं था मतलब टॉपर वाले बच्चा नहीं था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था 2020 जुलाई में आ, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा से बिगड़ गई तो एम से निकला कि उनको कैंसर है बैकबोन में तो उसके बीच मेरा आ, मतलब नीट का भी पेपर छूट गया मतलब मैंने नहीं दिया उस वक्त इस फेज में मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी चली आई थी कि मैं फैमिली को संभालूँ और मेरे फ्यूचर को देखूँ तो मैं अपने फैमिली को ही चूज़ किया पिताजी की कोई सेविंग्स थी सेविंग्स के पैसे वहीं पर ही ख़त्म हो गई और जितने भी थे वो दीदी की शादी में लगा दी तो रात भर मैं पिताजी के पास बैठा था तो मैं उनके पास ही बैठ लेक्चर देख रहा था आपकी और तभी आँखें ऊपर करके उनकी आ, मतलब वो डेथ हो गई मतलब उनका सपना एक ही था कि मुझे डॉक्टर होता हुआ देखना रिजल्ट जब आया तो सिक्स थर्टी वन था तो घर में गांव में सब खुश थे क्योंकि गांव में पहला डॉक्टर था मैं। जय हिंद मेरा नाम है अलख पांडे और आज मेरे साथ हैं देवी प्रसाद तो देवी प्रसाद इस समय एम फर्स्ट ईयर के छात्र हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम मेडिकल कॉलेज से तो देवी एकदम शुरू से शुरू करेंगे कि कहाँ पे जन्म हुआ प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई बचपन में आपके दोस्त कैसे थे घर का माहौल कैसा था तो पहले इस बारे में बात करते हैं सर मैं गांव से ही पैदा हूँ मतलब गांव से मैं एक दो साल रहा हूँ उसके बाद मेरे पिताजी की गांव के शायद दस किलोमीटर दूर एक छोटा एक सा शहर है तो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हम तो मेरा प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर शुरू हुई तो उसके बाद में जो मेरे पिताजी के टीचर थे गांव में तो वहाँ पढ़ाते हैं टीच इंग्लिश पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं हाँ तो मुझे एट नाइन्थ टेंथ वहीं पर पढ़ना पड़ा मेरे पिताजी चाह रहे थे कि मैं उनके अंडर ही पढ़, पढ़, पढ़ना चाहूँ तो वो हर रोज़ मुझे उनके साथ लेते थे उनके स्कूल में अब पहले से मैं इतना अच्छा बच्चा नहीं था मतलब टॉपर वाले बच्चा नहीं था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था मेरा मैथ और साइंस ये दोनों में इंटरेस्ट थी तो इस सब्जेक्ट में मैं मार्क्स ले आता था मतलब हंड्रेड से नाइन्टी के अब ले आता था तो दु, जो दूसरे सब्जेक्ट से इनमें मेरा मार्क्स इतना अच्छा नहीं आ रहा था तो मैं जब मैं नाइन्थ हो गया तो टेंथ में जब गया तो मेरा ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि मैं मैं भी कुछ कर सकता हूँ मतलब मैं तो पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ तो मैं बारह तेरह घंटे पढ़ा मतलब उस वक्त टेंथ में तो वहाँ पर मेरा स्कोर आया एटी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट उड़ीसा बोर्ड में तो उड़िया मीडियम से मैं पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ली एलेवेंथ और ट्वेल्थ में तो वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं उड़िया मीडियम से मतलब मेरा सब कुछ जो फिज़िक्स केमिस्ट्री वग़ैरह वो सब उड़िया मीडियम से थी मतलब जब मैं ट्वेल्थ इलेवेंथ ट्वेल्थ में आया तो वहाँ पर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वहाँ पर इंग्लिश में था मतलब एकदम से उल्टी उड़िया से इंग्लिश को चलाया तो वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत हुई मुझे पढ़ने में तो आ, मैं इलेवेंथ ट्वेल्थ इसी से ही निकल गया कि मैं कैसे उसको एकोमोडेट करूँ कि इंग्लिश से उड़िया मतलब पहले जो आपकी साइंस की मैथ्स की किताब थी हाँ उसमें उड़िया भाषा लिखी उड़िया भाषा से टेंथ तक और फिर इलेवेंथ से अचानक से इंग्लिश इंग्लिश सारे टर्म्स से सारे टर्म्स आ गए इंग्लिश में तो नीट की जो एग्ज़ाम है मैं वहीं से जाना कि नीट एग्ज़ाम है मतलब मेडिकल uh, कॉलेज में एंट्री करने के लिए तो एलेवेंथ में मैं जाना मेरे दोस्त से ट्वेल्थ में uh, मैं टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी में ख़त्म किया तो वहाँ पर मेरा स्कोर आया ट्वेल्थ में एट्टी फाइव पॉइंट फाइव परसेंट वाया तो उसके बाद मैं uh, कोरोना आया था टू थाउजेंड ट्वेंटी में तो मेरा जो लास्ट uh, एग्ज़ाम था बायो का वो पोस्टपोन हो गया था वो एक्सटेंड हो गया था उसका डेट जुलाई को होना था तो तो जुलाई में चला आया तो मैं घर घर चला आया मतलब मार्च के मार्च में जब कोरोना आया तो मैं घर चला आया तो मैं वहाँ पर बायोलॉजी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था और नीट का भी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया था तो आ, उसी वक्त 2020 में तुमने ट्वेल्थ पास किया ट्वेल्थ पास किए अब तुम नीट का एग्ज़ाम लेने जा रहे हो हाँ ठीक है टू जुलाई में Uh, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा से बिगड़ गई तो हमने उनको न्यूरोलॉजी के पास लिया तो न्यूरोलॉजिस्ट ने एक महीने के लिए दवाई दी मतलब उससे कुछ काम नहीं बन रहा था मतलब तबियत तो, इस समय पिताजी कहाँ पे थे गांव में कि शहर में तुम्हारे साथ मतलब शहर मतलब छोटा सा शहर था वहीं पर थे जी क्या नाम है शहर का uh, बाली बालीचंद्रपुर तो पूरा परिवार यहीं आ गया था हाँ वहीं पर थे बचपन से वहीं पर थे अच्छा तो वहीं पर आ, मतलब हम का, कटक एस बी में गए थे पिताजी को लेकर न्यूरोलॉजी के पास तो न्यूरोलॉजी वाले ने आ, हमको एक महीने के लिए दवाई दी थी पिताजी को तो उ, उससे कुछ काम नहीं बन रहा था तो हम फिर से ऑर्थोपेडिक्स के पास गए तो उस वहाँ पर हम एम की तो एम से निकला कि उनको कैंसर है बैकबोन में तो हमको ये बात पता चली जुलाई को तो उसके बाद नीट का एग्जाम एक भी एक्सटेंड हो गया था सितंबर को तो मतलब इसी बीच मेरा पिताजी की वो जो एक्स मतलब वो लाइट्स वगैरह पड़ रहा था वहाँ पर मतलब तो भट्टीपुरा में वहीं पर उनके कैंसर की बोन कैंसर हुई थी तो इससे क्या हुआ था कि उनकी पिछली इस मतलब जो लोअर लिंब है वो पैरल हो गया था पूरी तरह से तो वो व्हील चेयर में बैठ गए थे तो पापा स्कूल में टीचर थे और फिर उसका प्रॉब्लम आ गई तो फिर टीचिंग तो छोड़नी पड़ी होगी टीचिंग नहीं छोड़ी थी मतलब वहाँ उस वक्त कोरोना की चल रहा था फर्स्ट वेव तो स्कूल बंद थी मतलब उस वक्त ऑनलाइन में क्लासेस हो रहा था तो ऑनलाइन में जो क्लासेस हो रहा था तो वो घर में बैठ कर ही कर रहे थे डॉक्टर तो ने क्या बोला था कि मतलब कैंसर है बट इट कैन बी ट्रीटेड मतलब हमको कोई पता नहीं था कि पिताजी का स्टेज फोर्थ स्टेज में मतलब है तो हमको ये कहा था कि डॉक्टर ने कि आप उनको अच्छी सी ट्रीटमेंट दो मतलब हम घर में तो वो अच्छे हो अच्छे हो सकते हैं मतलब फिर से चल चल सकते हैं तो हमने वही की कि उनका ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा था मतलब मेरा पिताजी के ट्यूशन थी घर में कोचिंग सेंटर थी हमारी तो वो करोना के वक्त तो घर में पढ़ रहे थे बच्चे तो जो बच्चे आ रहे थे तो पिताजी ने कहा कि मतलब वो बच्चे जो आ रहे हैं तो उनको थोड़े पढ़ा लेना क्योंकि उनको यह लगता था कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको मतलब शिक्षा आधी से मतलब आधा आधा नहीं रहना चाहिए तो उनकी पूरा सिलाबस ख़त्म करनी है तो आ, हम जु जुलाई अगस्त सितंबर ये जो महीना है तो ये आधा सिलेबस ख़त्म हो गया होगा मतलब शुरू हो गया था तो उनको कोई दूसरे कोचिंग वाले वो अलाउ नहीं करेंगे कि आधा सिलेबस ख़त्म हुआ है तो उनको हमारा इंस्टीट्यूट में लेने के लिए तो हम वहाँ पर पढ़ा रहे थे तो मैथ्स और साइंस वही पढ़ा रहे थे हम और आप, हाँ अच्छा हम पढ़ा रहे थे वहीं पर इलेवेंथ मतलब टेंथ और नाइन्थ के बच्चे को जब से पिताजी की तबीयत खराब हाँ। पढ़ाने लगे हाँ। और अभी नीट का पेपर होने वाला है मतलब नीट का पेपर छूट गया है मेरा उसके अंदर क्योंकि पिताजी को मेडिकल लेना है और घर में भी मैं और मैं मेरा माँ और बड़ा दीदी है तो मैं माँ माँ जी के साथ जाता था मेडिकल में तो जिम्मेदारी तो हाँ आ गई तो उसके बीच मेरा आ, मतलब नेट का भी पेपर छूट गया मतलब मैंने नहीं दिया उस वक्त तो क्या सोचा था अगले साल दूंगा हाँ अगले साल अच्छे से रहते प्रिपेयर करके दूंगा मतलब वहीं वहीं वह पर पिताजी ने भी बोला कि तुम चले जाओ कोई ऑफलाइन कोचिंग मतलब वहाँ उस वक्त तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो रहा था मतलब ऑनलाइन में हो रहा था मतलब मुझे इतने ट्रस्ट भी नहीं था ऑनलाइन कोचिंग में तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं किया मतलब घर में बैठा मतलब डॉक्टर जी बोले थे कि पिताजी का ख्याल रखना मतलब इस फेज में मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी चली आई थी कि मैं फैमिली को संभालूँ और मेरे फ्यूचर को देखूँ तो मैं अपने फैमिली को ही चूज़ किया तो इसलिए मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था मतलब कोई नीट की उस वक्त मेरे माइंड में नीट भी नहीं थी मतलब कहाँ गुम हो गया था नीट के तैयारी तो मैंने जैसे करके टू थाउजेंड ट्वेंटी निकाल ली और उसके बीच में पिताजी का एक ही सप मेरे पिताजी एक सपना था कि जिस मेरे बहन की शादी उसको देखना था दो हज़ार बीस में नीट नहीं दे पाए नहीं दे फिर पाए इक्कीस में इक्कीस में मैं दिया था मतलब नीट का एग्जाम दिया नीट इक्कीस तो, में पापा की तबीयत साल भर खराब थी हाँ हाँ और बता रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाए हाँ बड़ा एक सवाल है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी तो कहानी के अंदर घोष के तो पिताजी टीचर स्कूल में और फिर ट्यूशन ले रहे थे फिर आप ट्यूशन लेने लग गए उनकी जगह इस बीच कैंसर डिस्कवर हुआ कैंसर हो गया उनको बस दीदी की शादी कैंसर का इलाज दीदी की शादी सबसे बहुत पैसा बहुत बहुत पैसा मतलब पिताजी की कोई सेविंग्स थी जितने साल वो टीचर थे तो कुछ कुछ सेविंग्स कर रहे थे तो वो सेविंग्स के पैसे वहीं पर ही ख़त्म हो गई जब पिताजी के कैंसर वो जो लाइट्स वगैरह पड़ा उनके भटी पर तो वहाँ पर मतलब बहुत सारे पैसे वहीं पर ही खर्च हो गए और जितने भी थे वो दीदी की शादी में आ, लगा दी और थोड़ी सी मतलब लोन लिए थे हम दीदी शादी के लिए तो पर आप लोग को ये पता था कि आपके घर वालों को पता था कि फोर्थ स्टेज पे पता था मम्मी लोग को मम्मी को पता था मतलब हमको कभी बताया नहीं बोले थे कि वो ठीक हो जाएंगे अब अगर आप पूरा एफर्ट मार रहे एफर्ट एफर्ट मारो तो वो ठीक हो जाएंगे तो मैं वही सोच करके कि मेरे पिताजी एक बार ठीक हो जाए तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बाहर जाऊंगा कि जो कुछ सोचूंगा मतलब उनको मेडिसिन देना उनको फिजियोथेरापी करना और उनको बाहर टहलने के लिए वो वाकर था वो वाकर से चल रहे थे मतलब उनके साथ साथ चल रहा था मैं और उनको नहाना मतलब मैं ही उनको नहा लेता हूँ उनको तो ये सब वगैरह और मेडिकल और हफ्ते में दो बार मेडिकल जाते थे तो उनके साथ जाता था मैं मेडिकल तो उसके बाद टू थाउज़ेंड ट्वेंटी वन तक भी ये चला ट्यूशन भी चल रहा था मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मार्च जब हुई तो एक मतलब एक एक साल की कोर्स ख़त्म हो गई तो ट्यूशन में तो मैं ट्यूशन छोड़ ली मैं मतलब मैं इतना संभल नहीं पा रहा था तो उसके बाद पिताजी की तबीयत भी सुधरने आ रही थी मतलब वो चल भी रहे थे धीरे धीरे तो उसके बाद जब 2021 के की जून में आपकी लॉन्च हुई 2020 वाला जो यकीन बैच तो मैंने वही परचेस करने के लिए कोशिश की मतलब उस वक्त तो वो मैं 2022 का जुलाई में लिया तो उस वक्त मैं टाइम निकाल रहा था मतलब तीन तो जो तीन लेक्चर आ रहे थे उसके लिए सिर्फ टाइम निकल रहा था मेरे से तो रिविजन के लिए उस वक्त टाइम नहीं था और मैं जो जु, जुलाई में लिया जून का जो एक महीने का जो गैप है से तो वो भी था मेरे मेरे साथ तो मैं उसको संडे और सैटरडे ये दोनों छुट्टी थी तो उस वक्त मैं कवरअप कर रहा था तो आ, उसके बाद जुलाई अगस्त में पिताजी की तबीयत फिर से बिगड़ गई तबीयत फिर से मतलब उनको याद नहीं रहा कि दो साल के पिछले पीछे क्या हो रहा है मतलब दीदी का शादी हो गया है वो भी याद नहीं है पिताजी को तो डॉक्टर जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि सोडियम पोटासियम की लेवल कम हो गई तो उनकी याददाश्त चली गई है तो फिर से थोड़ी सी तबीयत आई मतलब तो वो उनकी याददाश्त आया दो दिन के बाद तो उसके बाद अक्टूबर को उनकी तबीयत बहुत सी बिगड़ गई तो डॉक्टर के पास जा रहे थे मतलब डॉक्टर भी क्या कर सकते मतलब कैंसर का तो लास्ट स्टेज है तो वो शिफ्ट कर दिए घर को तो घर में ही रह रहे थे हम नाइन्थ जो एट्थ के रात को तो रात भर वो सो नहीं पाए मतलब उनको पेन हो रहा था इधर पेन हो रहा था आ, हाथ में पैर में कभी हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, हॉस्पिटल उस वक्त डॉक्टर ने बोले कि सुबह आ जाना तो रात में वो डॉक्टर नहीं थे जो पिताजी का तो कैंसर वाले डॉक्टर थे तो नहीं थे तो रात भर में पिताजी के पास बैठा था तो उनके पैर दबा रहा था घर पे आप और मम्मी थे मम्मी भी थे मैं तो हम बार बार करके मैं मैं सोचा था तो मम्मी उठकर उनके तबीयत दिख रही थी अक्टूबर नाइन को सुबह तो अच्छी लगी उनको तो सो रहे थे तो मैं उनके पास ही बैठ लेक्चर देख रहा था आपकी बायोलॉजी का जूलॉजी का लेक्चर देख रहा था तो उस वक्त वो उनके पास ही बैठा था वो मुझे ही दिख रहे थे मतलब वो कुछ बात बात नहीं कर रहे थे मतलब उनकी बात करने की जो पावर है वो चली गई थी उनके पास ही बैठ में जाकर उसके बगल में बैठ गया और मैं माँ जी को भी बुलाया कि आ, कि पिताजी कुछ बात भी नहीं कर रहे उसी वक्त वो मेरे से ही दिख रहे थे और तभी आँखें ऊपर करके उनके मतलब वो डेथ हो गई तो मैंने उनको सीपीआर दी मतलब कुछ हो सकता है मतलब वह एम्बुलेंस को भी बुलाया तो बहुत देर हो गई थी उस वक्त तो वहीं पर वो हमको छोड़कर चले गए मेरे पिताजी दो दो महीने से पहले मुझे बताया कि कि आ, तुम मेरा संस्कार जो शब्द होता है तो उसको हमारा एक पूरी में एक जगह है स्वर्गद्वार तो वहाँ पर जो संस्कार होता है तो वहाँ से मतलब वो आत्मा स्वर्ग में चले जाता है वही एक आ, है प्रथा है वहाँ पर तो उन्होंने मुझे बुलाता था बुलाया था कि बोला था कि आ, तुम मेरे मरने से बात वहीं पर मुझे सब दा करना तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये बात आप क्यों सोच रहे मतलब उनको पता चल गया था कि मेरा टाइम बहुत ही कम है तो मुझे मतलब उनका सपना एक ही था कि मुझे डॉक्टर होता हुआ देखना तो मैं उस वक्त बहुत ही सदमे में चला गया था मतलब वो उस दिन के बाद आ, हिंदू धर्म एक रिचुअल है तेरह दिन तक कुछ मतलब रिचुअल वगैरह रहता है तेरहवीं तेरहवीं होने तक हाँ तेरहवीं दिन तक तो उस दिन तक मैं क्लासेस भी नहीं की तो उसके बाद हम शहर से गांव शिफ्ट हो गए तो उसके बाद ये मतलब नवंबर को मैं एक घर रेंट में लिया कटक में चला आया तो वहाँ से पढ़ने के लिए मतलब उस वक्त मुझे मेरे माता जी ने बोले कि तुम चले जाओ अब तुम्हारा जो भी करना था फैमिली के लिए वो बहुत काफ़ी कर लिया बट अब तुम जाओ पढ़ने के लिए जो पिताजी का सपना था वही पूरा करो उसी उस वक्त उस, उस मेरे ख्याल खे, में वही पिताजी की आँखें ही दिख रही थी कि वो कुछ भी कह रहे थे मतलब मुझे कह रहे थे कि वो तुम डॉक्टर बन जाओ उस वक्त मैं घर को छोड़कर एक चलाया कटक में वहाँ पर एक घर रेंट में लिया सोलह सौ का रुपये में वो घर था छोटा सा घर था पढ़ाई के लिए ही काफ़ी था वो छोटा सा ही कमरा था इतना तो वहाँ पर मैं चलाया पढ़ने लगा जितने भी बैकलॉग्स थे वो एक महीने का जो अक्टूबर से नवंबर तक जितने भी बीच में तो वहाँ पर उस वक्त दशहरा चल रहा था तो वहाँ पर ज़्यादा भी पढ़ाया भी नहीं था मतलब दशहरा का छुट्टी था तो इसलिए उस उसी बीच जितने भी क्लासेस हुई थी उसका बैकलॉग्स हो गया था मतलब दो तीन चैप्टर का बैकलॉग हो गया था तो मैं उसको धीरे धीरे ख़त्म किया मतलब वहीं पर पढ़ रहा था मतलब वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था लेक्चर दिख रहा था रिवाइज़ कर रहा था और टेस्ट टेस्ट देने के लिए जो टाइम होता था वह वहीं पर से बैकलॉग की कवर कर रहा था तो मैं हर दिन एक एक लेक्चर का बैकलॉग कवर कर रहा था तो ऐसे करके मैं जनवरी और दिसंबर जनवरी तक सब बैकलॉग कवर हो गया तो ऐसे ऐसे करके मैं सारे एम टेस्ट सीरीज दिया और जो भी है मतलब जहाँ से भी मिल रहा था क्वेश्चन वगैरह जो भी बाहर से तो मैं वो भी दे रहा था मतलब मैं एग्जाम से पहले एक दो महीने से दो महीने के अंदर तो मेरा एग्ज़ाम था जुलाई सत्रह को था तो मैं जो जितने भी टाइम थे उस, उनके उसके अंदर मैंने शायद अस्सी से नब्बे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे अस्सी से नब्बे मतलब पी यू आई क्यू वगैरह वो जो भी आ रहा था मतलब इस साल का पेपर उस साल का पेपर तो रोज एक पेपर कर रहे हाँ, था। ए, ए, एक एक पेपर दे रहा था मतलब ए, दो, ए, एक दो दिन में दो दो भी पेपर दे रहा था मतलब बहुत सारे दिया था मतलब वो वे आर शीट में निकाल लिया था आपका आ, बहुत सारे तो उनमें दे रहा था और मेरा मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे थे मतलब छ सौ छः सौ दस छः सौ मतलब 631 कभी मैं टच ही नहीं गया मैं बीच घर नहीं गया घर मतलब घर को गया था मतलब जब जब किसी चीज़ में सिग्नेचर मेरा चाहिए तो उसी वक्त गया मतलब जिस दिन गया उस दिन चला आया मतलब उस वक्त मैं घर को मतलब जा नहीं रहा था मोबाइल से बातचीत हो रही थी वहाँ से कि ठीक हो वो बता रहे थे कि हाँ हम हा, ठीक है तुम टेंशन मत लो तुम पढ़ाई करो उस वक्त मैं कोई आ, दोस्त रिश्तेदार कुछ भी नहीं मतलब मैं आप आपकी जो डायलॉग थी ना कि एकदम से योगी बन जाओ मतलब तपस्या मूड में चले जाओ तो वही बात मैं फॉलो कर रहा था उस वक्त कि किससे भी बात नहीं आ, हमारा जो है विद्यार्थी का गृह त्यागी मतलब त्याग क्या मतलब घर से घर से अलग से रहना मतलब किससे भी बातचीत नहीं कोई दोस्त नहीं कोई रिलेटिव्स नहीं तो सब वहीं पर मैं सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं मतलब मैं एक ही कमरा में रहकर पढ़ रहा था मतलब जब बोर हो जाता था तो मैं आपकी जो मोटिवेशन वाली वीडियो और जो सर जी की जो मोटिवेशन वाली वीडियो वो देख रहा था मतलब मुझे रात में जब सपने में भी वो जो फिजिक्स का जो सवाल दिन में नहीं किया था वही आ रहे थे मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं मतलब सेकेंडरी कोई भी चीज़ मेरे माइंड में नहीं आ रहा था तो 2020 में नीट का पेपर नहीं दिया नहीं एक बार पाकि तबीयत ख़राब हुई थी चाहे 2021 में दिया में दिया था एक सेवन सेवें आया था वन से, उस टाइम भी वही फेस चल रहा था वही प्रॉब्लम और वन सेवें आया था पिछले साल फिर अगले साल आया छह इकतीस फिर कॉलेज मिला हाँ सर तो ये तो लाइन के इस तरफ की कहानी थी अभी तक बहुत ज़्यादा टफ थी तुम्हारी कहानी तो खैर अब लाइन किस तरफ चलते हैं कॉलेज मिलने के बाद कैसा लगा यार आ, पेपर वाले दिन का बताओ पेपर देकर तो दे जब आए पेपर देकर जब आए तो हम आंसर शीट नहीं मिला था नहीं। तो उस वक्त एक फिजिकल लाइव वीडियो आ रहा था तो पेपर सॉल्व करने तो वहीं पर बैठ गया मैं और मेरा एक दोस्त भी था मेरे पास वो रह रहा था पास में मेरे पास वाले कमरे में रह रहा था तो वो भी मेरे पास बैठा और हम दोनों वो मतलब सर शायद कोई दूसरे पेपर का है मतलब क्वेश्चन का जो ऑप्शन से वो मतलब वो अलग से तो वो देख रहा था कि मुझे बोल रहा था कि उसका ऑप्शन पढ़ रहा था तो मैंने वही ऑप्शन को मैं जो किया था तो वहीं पर मैं टिक मार रहा था तो ऐसे करके मैं जब आ, मेरा चेक किया तो मेरा वहाँ आया सिक्स फोर्टी फोर आया था मतलब उस टाइम तो मैं ये बात पहले मैं मेरे माँ को बोला तो उन्होंने बोले कि तुम अब सो जाओ कल को देखना मतलब तुम अभी ये चेक मत करो मतलब मैं चेक कर लिया था <laughs> वो कह रहे थे कि अगर ये चेक कर लेगा तो टेंशन में आ जाएगा कि क्या करेगा हुआ कि नहीं, नहीं हुआ है तो मैं चेक कर लिया था मैं बोल दिया कि मैं इस बार हो जाएगा मेरा मेडिकल हो जाएगा जो गवर्नमेंट कॉलेज की हंड्रेड परसेंट गारंटी है तो वो भी खुश हो गए और उसके अगले दिन मैं बस लेकर घर चलाया तो रिजल्ट जब आया तो सिक्स थर्टी वन था तो घर में गांव में सब खुश थे क्योंकि गांव में पहला डॉक्टर था मैं और उसके बाद कॉलेज का एडमिशन हुआ तो उसके बाद मैं हॉस्टल के लिए शिफ्टिंग हुआ तो हॉस्टल में मैं जब पहुंचा कि मेरे आ, तो मेरा पहले से ही वीडियो था आपके साथ जो ऑनलाइन हाँ। में तो वो हाँ वही उसको देख बहुत सारे बच्चे मुझे पहचानते थे मतलब मैं तब तक के लिए जानता नहीं कि मैं इतना फेमस हूँ हमारे कॉलेज में मतलब मेरे पेरेंट्स मैं जिस रूम आलट हुआ था तो पहले गया था तो मेरा जो रूममेट आया तो वो भी आप पी से पढ़ रहा था मतलब वो भी नेट में सिक्स थर्टी टू उसका थर्टी टू आया था उसने जब मुझे देखा तो झटक से मुझे पहचान लिया कि तुम देवी प्रसाद हो ना कि हाँ मतलब तुम कैसे जानते हो मुझे मतलब <laughs> तुम अलग पंडित सर के साथ एक वीडियो वीडियो में थे वो तो उसने उसके पिताजी को फ़ोन की कि मुझे ज, जिस रूम में मिला है उस वक्त वो मेरे नाम लिया कि वो जो वीडियो में आया था <laughs> तो, तो वो इतनी खुशी हो गई थी कि मैं मैं भी उस उस वक्त सोच रहा कि मैं इतनी फेमस हूँ मतलब <laughs> वहाँ पर तो आगे क्या है डॉक्टर बनना है किसके बाद ऐसा कुछ है कि यूपीएससी पी का एग्ज़ाम क्रैक करना है अब आगे क्या विजन है यहाँ से क्या सोच आगे कर? तो डॉक्टर बनना है मतलब मुझे आ, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर तो डॉक्टर डौक, की ही कमी है हुँ. मतलब वहाँ पर जब गांव में तो वहाँ पर डॉक्टर की कमी है मतलब मैं एक अभी तो एम किया हूँ मतलब पाँच साल के बाद जब डॉक्टर बनूँगा तो मैं ये सोचा है कि मैं भी डॉक्टर बनूँगा और मेरे गाँव के आस जो भी है जितने भी बच्चे मतलब मैं अगर गांव से निकलकर जो मेडिकल कॉलेज की सीट पा सकता हूं तो और कोई नहीं क्यों बहुत बढ़िया बात तो मैं अभी सबको प्रिफर कर रहा हूं मेरे गांव में जो भी गांव के जो अच्छे बच्चे हैं जो जो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते वो लाखों लाखों देख कर के इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप फिज़िक्स वाला ही चूज़ कर लो क्योंकि प्राइस मत यहाँ पर देखो यहाँ पर जो एजुकेशन की जो वैल्यू है मतलब जो एजुकेशन का

हाँ, मतलब उसको मतलब आ, हम मेरी ब्रांड है पर मुझे लगता है तो कि दो साल लगेगा दो, हाँ, दो साल लगेगा अगर बहुत ही कमजोर है तो भी दो साल अगर पूरी जान लगाएगा सेलेक्ट हो हाँ, जाएगा मतलब अपना हंड्रेड परसेंट देना है मतलब ये नहीं कि हम पहले ले लिए फिजिक्स वाला तो के कोई यकीन ले लिए और पहले पहले पढ़े तो उसके बाद कुछ ऐसे नहीं चलेगा सत्तर से अस्सी तो ऐसा लगता तुम खुद से ही हो कंटेंट मतलब अच्छा बहुत आपको है बहुत है, है हर है। दिन पढ़ना मतलब ये शादी वगैरह वो ये ये, ये।, ये कुछ घुसना नहीं है मतलब आपके हंड्रेड परसेंट यहीं पर ही देना है बढ़िया खूब अच्छे से पढ़ाई करो जीवन खूब अच्छा करो बहुत अच्छे डॉक्टर बनो एंड हाँ। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर तुमने हौसला नहीं छोड़ा एक नंबर से छः नंबर आए और पिताजी का सपना तुमने पूरा किया और पूरा कर रहे हो आगे भी करोगे हमें बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर और बस और क्या मिठाई उठाई लाए थे लोग मिठाई खिलाया जाए भाई को हाँ। खा जाओ एक और तुम <laughs> मैं उम्मीद करता हूँ देवी की एक कहानी आप सभी को इंस्पायर की होगी मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली एक और कहानी के साथ जय हिंद धन्यवाद